हेलो दोस्तों। तो बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, थोड़ा तो सा काम पे बिजी था। दूसरे काम पे बहुत दिन का मैसेज आया कि कुछ इंट्राडे का स्ट्रीक में कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए, कुछ अच्छा वाला, कुछ अलग का, कुछ मूविंग एवरेज ना लेके कुछ दूसरा, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके। तो आज का ये वीडियो इंट्राडे का एक स्ट्रीक का स्ट्रेटेजी के ऊपर है, जो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके ही करेंगे। आप उसको फुल्ली ऑटोमेटेड बना ही सकते हैं रेड रॉकेट यूज करके। तो शुरू करते हैं, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आपको ये फंडा बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा मेरा हिसाब से। मैं अभी तक टेस्ट नहीं किया इसको। 80% तो कोइन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा क्रूड ऑयल अभी भी चल रहा है, तो हम लोग कोई एक देख लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक में। रिलायंस, ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक। ये रहा मेरा रिलायंस। यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेटजी लगा के रखा हूँ, यही है जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा था। तो पहले इसको मैं हटा ही देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगाना है। आपको लगाना है पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट पॉइंट में क्या रहता है, ये जो एक लाइन रहता है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस कोई एक लाइन का ऊपर है तो ये लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगा, अगर कोई एक लाइन का नीचे प्राइस है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेना है स्टैंडर्ड फिबोनाची में। बस यही ध्यान पे रखिए, डिस्प्ले रहेगा 5 मिनट का कैंडल का। और क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, स्टोकेस्टिक्स एज यूजुअल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे फ्रॉम 55 और ये रहेगा मेरा 40, जैसे मैं हर वीडियो में करते हैं। तो काला लाइन है फर्स्ट लाइन, रेड लाइन है स्लो लाइन। ऊपर रहेगा तो बाई का, नीचे कट करके जाएगा तो सेल का है। और हम लोग आज और चीज ऐड करेंगे, वो है वी पर। ये क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। इस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो बाई का सिग्नल बहुत अच्छा बनता है, अगर नीचे आता है तो सेल का सिग्नल बनता है। तो ये रहा फुल स्ट्रेटेजी। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्राइस अगर हम लोग का स्टोकेस्टिक्स रेड कलर का ऊपर में ब्लैक कट करके ऊपर जाता है, मतलब फास्ट मूविंग लाइन अगर नीचे से ऊपर कट कर जाता है जो बाय का सिग्नल बनता है, और प्राइस का क्लोजिंग अगर वी बाय का ऊपर है, और अगर मेरा कोई भी पिवट पॉइंट को कट करके ऊपर क्लोजिंग देता है, हम लोग बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे, कोई भी प्रीवियस कैंडल स्टोकेस्टिक्स अगर ऊपर से नीचे है, वी बाय का नीचे है प्राइस, और कोई भी पिवट पॉइंट को कट करके नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए वी वैप को कट करके नीचे, ये वी वैप का नीचे क्लोजिंग दिया, ये नीचे है और ये पिवट पॉइंट को कट करके नीचे आया है, तो यहाँ पे मेरा एक सेल सिग्नल बनता है। मतलब यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे हम टारगेट लेकर चला जाएंगे, समझ में आ गया। और बाई का ठीक उल्टा, बाई का जैसे यहाँ पे एक बाई बनता है, जैसे यहाँ पे एक बाई बनता है, ये देखिए वीवैप का ऊपर है, पिवट पॉइंट ये था, इसको कट करके ऊपर गया, स्टोकास्टिक भी ऊपर है, ठीक है। टारगेट पॉइंट 3 का बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिक। बहुत जल्दी बनाएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, एंड तक देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसको 5 मिनट का कैंडल। रिलायंस का कितना कॉस्ट है, रिलायंस का भाई 328, अगर मेरे पास 30,000 रुपीज़ है, हम लोग कर लेते हैं कि 100 शेयर हम लोग इंट्राडे में करेंगे, ठीक है। एंट्री कब करें, जब प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग 5 मिनट का मेरा किसके ऊपर हो, हायर देन वी वैप, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, मेरा स्टोकेस्टिक्स हायर देन, मतलब फास्ट मूविंग स्टोकेस्टिक्स हायर देन स्लो मूविंग स्टोकेस्टिक्स। तीसरा कंडीशन क्या है, प्रीवियस कैंडल का मेरा अगर 5 मिनट का क्लोजिंग, ठीक है, क्या होता है, क्रॉसेस अबव पिवट पॉइंट आर वन, मतलब पहला रेजिस्टेंस पॉइंट फिबोनाची टन, ठीक है। अभी टारगेट फिलहाल हम लोग 0.3% लगा के रखते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे हम लोग टारगेट पकड़ते हैं अभी के, हम लोग का ये जो फिक्स हो रहा है, तो इसमें हम लोग पकड़ते हैं स्टॉप लॉस
फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा करके छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग का कितना परसेंटेज आ रहा है। इसको हम लोग कर देते हैं पिवट, ठीक है, सेवन बैक टेस्ट। तो मेरा ये थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पे काफी स्लो चल रहा है। तो देखिए 3 महीने में मेरा पास 30 को सिग्नल आया, हर महीने 10 सिग्नल पकड़ लिए, विन है 25, लॉस है 5, 9000 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग का टोटल 3 महीना में 9000 का प्रॉफिट है, जिसमें अराउंड 80% हम लोग का विंस है, ठीक है। हम लोग सेल भी देख लेते करके, तो हम बाई के क्या करेंगे, बाई को हम लोग चेंज कर देंगे सेल में, सिर्फ उल्टा कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे लोअर देन, इसको हम लोग कर देंगे लोअर देन, और इसको करेंगे क्रॉस बिलो फिबोनाची का फर्स्ट सपोर्ट, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का, तो ये बन जाएगा फर्स्ट सपोर्ट, ठीक। बाकी सब सेम रहेगा, सेवन बैक टेस्ट। सॉरी थोड़ा सा स्लो चल रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। 80% तो मेरा है, 70-80% मेरा टारगेट है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं स्ट्रेटजी। ये देखिए 24 में 18 तो 25 पकड़ लीजिए, 4 × 4 × मतलब 72%, 72% इसमें, 80% इसमें, मतलब लगभग 80% के आसपास आपका ये काम कर रहा है। अगर ये आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं 3 महीने में, तो आपका 13,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों इसको आप अप्लाई कीजिए, बैकटेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। अगले दिन इसके ऊपर हम लोग और वीडियो बनाएंगे, देखेंगे क्या है पिवट, क्या है पीबैक, लेकिन फिलहाल इसको अप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में थैंक यू।